हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर पीएनसी का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 2020 में 7 जनवरी को शिफ्ट वन में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9 अपियर इच। इस समय करना क्या है, हमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओनली इन्हीं इन्हीं डिजिट को लेते हुए 5 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और सभी डिजिट्स को लेते हुए फॉर्म करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट, पहले तो प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करो, अटेंड प्रॉब्लम का। अगर आपसे कोई दिक्कत जाती है सॉल्व करने में, देन सॉल्यूशन चेक करिए। ठीक है, अब पहले तो पहली बात तो आप ये समझिए कि हमें करना क्या है। 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट दे रखी है, मतलब 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और 9 दे रखा है, मतलब 5 डिजिट दे रखी है और मुझे 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो पहले तो हमने ये समझा कि 6 बॉक्स बना दिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बॉक्स हो गए। अब करना क्या है, मुझे 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। डिजिट दे रखी है 5। ठीक है, तो मान लो कि मुझे 1 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, 5 यहाँ ले लिया, 7 यहाँ ले लिया और 9 यहाँ ले लिया। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई ना कोई एक और डिजिट लेनी पड़ेगी। इन 5ों में से मैं कोई भी एक डिजिट ले सकता हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, 1 को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 1 आपने यहाँ ले लिया, अभी कितने डिजिट्स हो गए, 6 डिजिट्स हो गए, जिसमें से क्या हो गए, 2 डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अगर इनके मैं टोटल अरेंजमेंट अगर हम निकालें, तो टोटल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हमने एक पर्टिकुलर केस लिया जो 1 को यहाँ पर ले रहे हैं ना। ठीक है, अब आप चाहो तो सिमिलरली आप कर सकते हो, 3 को भी आप यहाँ पर ले सकते हो, देन उनको अरेंज कर सकते हो, 5 को लेकर अरेंज कर सकते हो, 7 को लेकर अरेंज कर सकते हो, 9 को लेकर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेकर के हमारे टोटल कितने सारे केस बनेंगे, 5 केस बनेंगे। देन हम बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर जो बनेंगे वो कितना बनेगा, 5 × 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन चेक कर देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, 5 अपॉन 2, तो जाओगे 2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 2 × 6 फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी क्लियर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर पीएनसी का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट वन में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। इफ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19 CP, 20 CQ एंड 21 CR रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, देन हमसे पूछा हुआ है ए अपॉन 11 इक्वल टू बी अपॉन 22 इक्वल टू सी अपॉन 42। इस 4 ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करा करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सॉल्यूशन आप चेक करिए। अब पहली बात, तो डियर स्टूडेंट आप एक बात ये समझो कि हमसे बोला गया है कि 19 CP, 20 CQ और 21 CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले आप एक कंसेप्ट समझ लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एनसीआर जो टर्म है, तो एनसीआर में हमें क्या करना है, एनसीआर का मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो एनसीआर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, वो एन पे डिपेंड करता है। क्या और एन क्या हो सकता है, 2 ही क्वांटिटी हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। ठीक है, तो एनसीआर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एन पे डिपेंड करेगा। और एन अगर इवन होगा या ऑड होगा, है ना, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो एन इवन हुआ तो इन दैट केस एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, एन सी एन बाई टू आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दैट केस एन बाई टू हो जाएगा। अगर मान लो मुझे एन सी आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जब एन ऑड है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, एन सी एन माइनस 1/2, या फिर आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं। मीन्स क्या आएगा, हमारे पास एक ही वैल्यू, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। कैसे आप इस बात को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो खैर आपको एक बात तो मालूम चल गया कि एन सी आर का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है,
अगर मान लो एन इवन हुआ तो एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, एनसी एन बाई टू हो जाएगा। एन अगर ऑड हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, एनसी एन माइनस वन अपॉन टू या फिर एन प्लस वन अपॉन टू आएगा। ठीक स्टूडेंट, ठीक है, आपको एक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच समझो। हमसे क्या रखा है, 19 सीपी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 19 सी। अब यहाँ पे एन कैसा लिखा हुआ है, ऑड है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉइंट टू लिख सकते हैं, फिर एन माइनस वन अपॉइंट टू लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका एन प्लस वन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 प्लस वन 20 हो गया, अपॉइंट टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, ए का वैल्यू तो ये हो गया। ना सिमिलरली मैंने क्या करना है, 20 सी क्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन इवन है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 सी 10 हो जाएगा। तो आर क्यू का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, एन अपॉन टू हो जाएगा। नाउ सिमिलरली 21 सी आर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है, सी दे रखा है। और वो जो फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा, एन ऑड है, तो इन दैट केस आर का वैल्यू क्या होगा, एन माइनस वन अपॉन टू होगा या फिर एन प्लस वन अपॉन टू होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने क्या किया, एन माइनस वन अपॉन टू हमने यहाँ पर लगा दिया, तो 20 अपॉन टू करेंगे तो 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ ये बात तो हमें मालूम चल गया कि हमने क्या किया, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा हुआ है ए रेशो बी रेशो सी पूछा हुआ है, तो ये स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी यहाँ से निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 19 सी 10 तो यहाँ पर आ गया, दैट इज रेशो आ जाएगा 20 सी 10 यहाँ पर आ गया, नाउ 21 सी 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको मुझे फर्दर और सिंप्लीफाई करना है। अब ये स्टूडेंट इसको एक बात आप आगे समझो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो होता है कम्प्लीटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। नाउ मैं एक काम ये करता हूँ, मुझे एक और फॉर्मूला ये मालूम होता है कि एल सी आर इज इक्वल टू कितना होता है, अगर एन और आर को हम बाहर निकालते हैं तो रेशियो के फॉर्म में बाहर आता है एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एक ही फॉर्मूला होता है एल सी आर का, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, अब एक और देखो एक बात ही समझते हैं, अगर वहां से यहाँ से स्टूडेंट इसको जब आगे आप सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो हमने क्या किया, पहले वाले पार्ट को तो एजिटेज रहने दिया क्योंकि इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते, और यहाँ पे इसको लिखते हैं 20 अपॉन 10 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 19 सी 9 यहाँ पर बच गया। ठीक है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया सकता है, 21 अपॉन 10 को भी अगर हम बाहर निकालते हैं 20 अपॉन 10 तो यहाँ पर आया, यहाँ कितना जाएगा 20 सी 1 कम यहाँ पर आ जाएगा ना, 9, 20 सी 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एक और पॉइंट आप ही समझो, जो 19 सी 10 जो लिखा हुआ है एक्चुअली वो ये 19 सी 9 ही लिखा हुआ, कैसे, हमें एक फॉर्मूला मालूम है एनसीआर इज इक्वल टू कितना होता है, एनसी एन माइनस आर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 19 सी 9 हमने यहाँ लिख दिया बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, 20 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2, और ये कितना लिखा हुआ इन टू 19 सी 9 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 21 अपॉन में 10। अब एक और पॉइंट आप ये समझो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से 20 अपॉन 9 को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ तो 19 बचेगा पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा और ढंग से सिंप्लीफाई करना चाहिए। कैसे, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 20 सी, इसको हम कितना लिख सकते हैं 20 सी 11, इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया 20 सी 11 यहाँ पर आ गए। अब 20 11 को अगर हम 20 अपॉन 11 को बाहर निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 11, तो यहाँ आ गया, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 19 सी 10, और हमें एक बात मालूम है कि 19 सी 10 को मैं कितना लिख सकता हूँ 19 सी 9 लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बात तो हमें मालूम चल गया यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब एक और चीज, 19 सी 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 19 सी 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 19 सी 9 यहाँ पर भी आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, फाइनली बचा गया 1 रेशो 2 रेशो कितना आ गया 21 अपॉन में, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 42 तो यहाँ हो गया, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 42 अपॉन में कितना आ गया 11 आ गया। ना इस वाले पार्ट को जब फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे 11 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 11 रेशो 22 रेशो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो पहले इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 11 इज इक्वल टू बी अपॉन 22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन 42 हो जाएगा।
रिलेशन देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए अपॉन 11 तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, बी अपॉन 22, बी अपॉन 22 आ रहा है, सी अपॉन 22 यहाँ पर आ गया। नहीं समझ कह सकते अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट, पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मतलब एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसने यूज कर रखा था। होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया होगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम को अच्छे से ट्राई करो, अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना था इसमें। ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर पीएनसी का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। इसके एग्जामिनेशन में 11 लेटर है, 11 लेटर में से हमें करना क्या है, फोर लेटर्स को लेते हुए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स मुझे फॉर्म करने हैं। कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ अब इसको आप समझते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने आप में एक पर्टिकुलर वे होता है, ठीक है, पर्टिकुलर तरीका होता है, आपको हमेशा वही फॉलो करना चाहिए जिससे क्या है प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पहले इसमें एक आपको एक मिसकंसेप्शन देता हूँ, जनरली स्टूडेंट करते क्या है, जैसे एग्जामिनेशन दे रखा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, ये लेटर दे रखा है ना, एग्जामिनेशन वर्ड दे रखा है, इसमें 11 लेटर्स है। जनरली स्टूडेंट करता क्या है कि 11 में से चार का सिलेक्शन करेगा, चार लेटर्स का हमने सिलेक्शन कर लिया, उनको हमने अरेंज कर दिया। तो एक्चुअली ये वाला जो तरीका है एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि 11C4 हम डायरेक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते, 11 में से आप चार का सिलेक्शन नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि आप 11C4 जब भी आप लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं। बट अभी के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लेटर्स लिखे हुए 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए रिपीट कर रहा है, ठीक है, आई यहाँ पर रिपीट कर रहा है, ठीक है, और एन की भी बात करें तो एन भी हमारे पास यहाँ पर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 11C4 यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली आपको करना क्या चाहिए, आपको एक टेबल फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। टेबल से पहले भी आप क्या करो, इस लेटर का आप डिस्क्रिप्शन लिख लो। डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे, मतलब हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, दो तो ए आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है, दो आई आ रहा है, ठीक है, और टू एन आ रहा है, टू ए हो गया, टू आई हो गया, टू एन आ गया, उसके बाद सिक्स लेटर से हो गए, और हमारे पास फाइव जो लेटर है रिमेनिंग लेटर, फाइव डिफरेंट लेटर हो गए, ठीक है। तो पहले तो हमने एक लेटर्स का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, 11 लेटर्स से हमारे पास, जिनमें से क्या था, टू ए है, टू आई है और टू एन है, मतलब फाइव डिफरेंट लेटर्स हैं। अब बात यह है कि 11 लेटर्स में से मुझे करना क्या, फोर लेटर वर्ड बनाना है। तो फोर लेटर का अगर मुझे वर्ड बनाना रहेगा तो हमारे पास कुछ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि जो हमने जो फोर लेटर वर्ड जो बना रहे हो आप ना, फोर लेटर जो वर्ड आपने बनाया उसमें जो चारों के चारों जो लेटर्स हैं वो चारों के चारों डिफरेंट हो, मतलब क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑल डिफरेंट लेटर हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि टू सेम हो, दो सेम हो जाए और दो डिफरेंट हो जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टू सेम और साथ में क्या हो सकता है, टू सेम ऑफ वन काइंड एंड टू सेम ऑफ अनदर काइंड हो गया, मतलब एक फर्स्ट काइंड का लिख लिया और एक सेकेंड काइंड, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास में दो ए आ गया और दो आई आ गया, ठीक है, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यही केस बन सकते हैं। और केस फोर्थ केस की हम बात करें तो तीन सेम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीन सेम वाला कोई यहाँ पर है ही नहीं, कोई ऐसे लेटर है ही नहीं जो तीन बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो फोर्थ केस और बन नहीं सकता, मतलब आगे और की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ तो हम लिखेंगे सिलेक्शन और यहाँ लिखेंगे हम अरेंजमेंट। नाउ अब सिलेक्शन की बात करते हैं। अब हमारे पास में कितना है, एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब एक ए टाइप का हो गया, आई टाइप का हो गया, एन टाइप का हो गया, फाइव डिफरेंट हो गया हमारे पास में। एट में से हमने क्या किया, किन्हीं फोर लेटर का सिलेक्शन कर लिया, 8C4 वे से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना है इनका अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट कितने वे से अरेंजमेंट हो जाएगा, 8C4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक ना। आगे आगे समझते हैं,
चार डिफरेंट लेटर हमने लिए, उनको चार डिफरेंट लेटर को कितने से सिलेक्ट कर सकते हैं, 84 से उनको अरेंज करना होगा तो 84 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं सेकंड केस, दो सेम हो और दो डिफरेंट हो। अब दो सेम हो तो दो सेम वाले यहाँ पे कितने ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो तीन ग्रुप में से मैंने क्या किया, कोई भी एक ग्रुप ले लिया, ठीक है, या तो दोनों ए ले लिए, या दोनों आई ले लिया, या दोनों एन ले लिया। ऐसा हम कितने वे से कर सकते हैं, 3C1 वे से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया, या तो दोनों ए आ गए, या फिर दोनों आई आ गए, या फिर दोनों एन आ गए। अब बच्चे क्या, मान लो दोनों ए यहाँ पर आ गए, अब बच्चे वापस कितने 5 लेटर से बचे, 2 लेटर यहाँ से बचे, 7 लेटर। 5 के बारे में बात नहीं कर रहे, 5 + 2 7 लेटर्स बचे। 7 में से मैंने क्या किया, किन्हीं दो का और सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, 7C2 यहाँ पर आ गया ना, तो बस 4 लेटर का सिलेक्शन हो गया, जिनमें से क्या है, दो कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं ना। अब मुझे उनको अरेंज करना है, तो उनको अरेंज कितने से कर सकते हैं, 3C1 × 7C2 एंड 4 लेटर्स को अरेंज करना होगा, तो 4 × 2 में दो कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे थे। ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई, इनका अरेंजमेंट ही आ गया ना। उसके बाद क्या रहेगा, थर्ड केस क्या है, दो सेम हो एक टाइप के, सेकंड दो सेम हो दूसरे टाइप के आए, तो हमारे पास में क्या हो सकते हैं, जैसे दो ए आ सकते हैं, दो आई आ सकते हैं। तो हमने कहा कि तीन ग्रुप है, दो दो के है ना, तो इनमें से कहकर कोई भी दो ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया, इससे हुआ क्या, या तो हमारे पास ए ए आ गया और आई आई आ गया, या फिर आई आई की बात करें और एन एन आ गया, ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या हो सकता है, एन एन और ए ए आ सकता है, ये तीन तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, 3C2 वहां पर आ गए, अब इनको मुझे अरेंज करना है, कितने से अरेंज कर सकते हैं, 4 × 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इन चारों लेटर्स जो आए हमारे पास, इन चारों को मैंने अरेंज कर दिया, इतने से अरेंज कर सकते, जितने से अरेंज करेंगे उतने सारे टोटल वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास में ये आ गया, अब हम एक काम ये करते हैं, हमें टोटल वर्ड्स निकालना, जितने से अरेंज कर सकते थे उतने सारे हमारे टोटल वर्ड्स आ गए। तो ठीक है, टोटल वर्ड्स के अगर बारे में हम बात करें तो ये हो जाएगा 8C4 × 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3C1 × 7C2 × 4 × 2 प्लस आ जाएगा 3C2 × 4 × 2 और 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। अब इसे इसको समझो, 8C4 को तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 8765 और यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, इंटू में कितना लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक तो यहाँ समझो 4 × 2 = 8 यहाँ से होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ से 2 times कैंसिल हो गया, ये तो 10 बन गया। ठीक है, 4 फैक्टोरियल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 24 यहाँ से आ गया, 24 × 7 करेंगे तो ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 4 किया तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ से बच गया, 7 × 14 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ पर बचेगा तो 16 यहाँ पर आ गया, 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1680 आ गया। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3C1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7C2 की बात करें तो 7 6 / 1 2 से गया 3 times, ये हो गया 21 और यहाँ से जाएगा 24 तो ये हो गया, 24 / 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 से तो ये जाएगा 63 यहाँ से आ गया, 63 × 12 अब 63 × 12 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा, 12 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 तो यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ से बच गया, 72 यहाँ से जाएगा और 3 हमने ऐड कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, 7 5 6 क्या जाएगा, 3। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3C2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल तो कितना हो गया हमारे पास, 24 हो गया और ये कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, 4 यहाँ से आया, 6 आ गया और इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस कंप्लीट पूरे पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिखा हुआ है तो 14 हो गया और 0 यहाँ पर ऐड कराएंगे तो ठीक है 14 तो यहाँ पर आ गया, 1 हमने कैरी कर दिया। ठीक है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 हो गया, 6 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आया तो 15 हो गया। ठीक है, तो एक फिर से हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, नाउ थर्ड वाले पार्ट को जो ऐड करते हैं, 1 यहाँ पर बचा हुआ है तो 1 + 7 तो 8 यहाँ से आ गया, 8 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 है ना, 4 हमने यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 14 और 1 हमारे पास कैरी बच गया था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 4 5 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 4 5 4 आ जाएगा। तो कितने सारे टोटल वर्ड्स आ गए हमारे पास में, 4 लेटर वर्ड अगर हमें बनाने हो तो कितना जाएगा, 2 4 5 4 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की हम बात करें तो 2 4 5 4 इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
स्टूडेंट होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है वीडियो एक दो बार देखना है तो एक दो बार और देख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे। जैसे एग्जामिनेशन एक वर्ड ले लिया हमने, मान लेते हैं कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि IIT JEE ऐसा कुछ हमने ये ले लिया, IIT JEE में से आपको करना क्या है कि 4-letter वर्ड आपको बनाना है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक टर्म ले लिया सक्सेस ले लिया, ठीक है। मान लो कि इंडिपेंडेंट एक टर्म ले लिया, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि मान लो 4-letter वर्ड आपको बनानी है ना, तो कितने सारे 4-letter वर्ड्स हो सकते हैं, 4-letter वर्ड के बारे में बात कर सकता है वो, 5-letter वर्ड के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। तो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या रहेगा, एक ही सेम तरीका रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर है। ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर PNC का प्रॉब्लम, जो JEE Main 120 में 9 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ 5-digit number, ठीक है, द नंबर ऑफ 5-digit number विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस, 2 कहां पर है, 10th प्लेस पर है, इज 336 into k, then k is equal to, तो k किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करो एंड देन सी द सॉल्यूशन इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत लगती है देन आप सॉल्यूशन चेक करिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट द टाइम ना। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो जनरली हम करते क्या है कि जो नंबर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ऐसे बॉक्स बना करके सॉल्व करते हैं। उसने बोला हुआ है कि 2 कहाँ पर होना चाहिए, सेकंड प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। 2 को तो हमने 10th प्लेस पर रख दिया, सेकंड प्लेस मीन्स 10th प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आ गया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे बनाना है 5-digit number, तो 5-digit number बनाना है, तो 3 बॉक्सेस तो मैं यहाँ बना देता हूँ, 1, 2, 3 बॉक्स ये हो गए, 4th ही आ गया, 5th बॉक्स ही आ गया, तो 5-digit number हो गया, ठीक है। जहाँ पर 2 कैसा है, 10th प्लेस पर है। अब मुझे करना क्या है, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करना है और हमें फॉर्म करना है डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए उसके अंदर। स्टूडेंट, जब भी हम नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जनरली हम उसे यहाँ से हम उसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मुझे इस वाले प्लेसेस को फिल करना है, तो इस वाले प्लेसेस को मुझे फिल करना है, तो इस वाले प्लेसेस को हम कितने वैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकते, 5-digit number मुझे चाहिए, मतलब 0 भी हट गया और 2 भी हट गया, ठीक है। अब 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है, इसमें 2 डिजिट हट गई तो हमारे पास 8 डिजिट बची, इनमें से हम कर सकते क्या कर सकते हैं, इस वाले प्लेस को किसी भी 8 डिजिट से फिल कर सकते हैं, मतलब इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ गए, 8 वेज आ गए, ठीक है ना। इस वाले प्लेस को हमने फिल कर दिया, मतलब कोई ना कोई डिजिट यहाँ पर आ गया, 1 डिजिट यहाँ पर आ गया, तो 2 डिजिट तो आ गई। अब बची कितने हमारे पास में, 0 से लेकर 9 में 10 डिजिट थी, अब 2 डिजिट हमने यूज कर लिया तो 8 डिजिट बची जिसमें 0 भी इंक्लूड है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले प्लेसेस को फिल करने का हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8 वेज हो जाएंगे, ठीक है। 0 से भी इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले प्लेसेस को मुझे फिल करना है, तो इस वाले प्लेसेस को हम कितने से फिल कर सकते हैं, 7 वेज से फिल कर सकते हैं। इस वाले प्लेसेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, 1 वेज आ रहा है, और इस वाले प्लेसेस को मुझे फिल करना है तो इसको हम कितने से फिल कर सकते हैं, 6 वेज से फिल कर सकते हैं। अब सभी को साइमल्टेनियसली फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितने वेज से हम साइमल्टेनियसली इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जितने वेज से इसको फिल कर पाएंगे उतने हमारे पास में क्या रहेंगे, जितने वेज से इसको हम फिल कर पाए उतने हमारे पास क्या बने, 5-digit number फॉर्म हो गए, ठीक है। और ये कितना रहता है, 336 into k गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 into 5 करेंगे, 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स क्या, तो 30 यहाँ पर 3 रिमेनिंग आ गया, ठीक है। 36 यहाँ हो जाएगा, 6 से डिवाइड कराएंगे तो 56 यहाँ पर बन गया, 56 k आ गया। नाउ 8 into 7 कितना होता है, 56 होता है, 56 से 56 k कैंसिल हो गया। नाउ 8 = कितना आ गया, k आ गया, बस k का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी क्लियर है। एक आसान सा प्रॉब्लम था, थोड़ी सी कुछ बातों को ध्यान देना था ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।